Good morning guys, I'm all set to receive my vaccine today. And friends, मैं लेने वाली हूँ कोविड शील्ड. I'm going to a go vaccine. So I'm very excited for her. And mama, congratulations. ओके माया, ऑल सेट. या लेट्स गो फॉर द वैक्सीन. वैक्सीन इज द ओनली वे टू विन अगेंस्ट कोविड. या So guys, today we are going for the COVID vaccine, but it's not for me, it's for mama. Yeah, I'm so excited but little bit nervous as well, Amaya, for the vaccination. No, nervous, it's a pinch. Because vaccine is the only cure. Vaccine is a superhero to kill all the virus. Wow, you're right, Amaya. Yeah. I think it will take 27 minutes. So काफी दूर है जो. Yeah, it's so cloudy. Print out ले लिया है. So Ammu, are you excited for mamma's vaccination? Oh, it's raining now. Yeah, Maya? No, I don't like it. Because then I get all wet. But it's good wet. Because we are in a car. Yeah, you are not supposed to come out. No? Yes, cover. Hey, Bob, there is a tension over. Use any lane to turn slightly left onto National. No, not now. It's about to come back. Oh, my poor. What is it? Side 3. I'm in the line. There's a line going on. And I think arrangements are really very good. So friends, we have to follow these blue lines. We have come to BLK hospital. So let's see. ये मेरा प्रिंट आउट है. एंड वेदर बहुत ही अच्छा है. साइड में जाके बैठे आप लोग को साइड में टू एंटर ओवर हियर. मेरा टोकन नंबर है C533 और ये बिलिंग काउंटर है सामने. यहाँ पर आपका टोकन नंबर दिखाई दे रहा है. तो जब मेरा टोकन नंबर आ जाएगा तो मुझे बिलिंग के लिए जाना होगा. ये क्यू है 533. अभी नहीं आया है, 509 तक आया है. देखो उन्होंने बाहर बहुत अच्छे से फूल लगी हुई थी. फिर टोकन मिले हैं. मेरा ये टोकन नंबर है C532.
उसके बाद हमारी साइट है, तो साइट की वाले साइट वन साइट टू साइट थ्री साइट फोर, तो ऐसी साइट मैंने कैटेगराइज की है। और उसके बाद साइट थ्री के एरिया में मैं बैठी हूँ, ये जो है विजिबल हो रहा है स्क्रीन। मेरा नंबर आने वाला है कोविड वैक्सीनेशन रूम। ये वैक्सीनेशन रूम है, सेकंड डोज भी सेम वैक्सीन लगेगी। ओके, और वो कब आना होगा? ये लगेगी हम 6 से 8 हफ्ते में। मेरा वैक्सीनेशन हो गया है, अभी मुझे ऑब्जर्वेशन काउंटर की तरफ जाना है और आधा घंटे वहाँ पर वेट करना है। अब तो ये है गाइस ऑब्जर्वेशन एरिया, यहाँ पर गाइस मेरे को 30 मिनट तक वेट करना है आफ्टर पोस्ट वैक्सीनेशन, एंड यहाँ मुझे एंट्री करानी होगी अपनी कि मेरे को वैक्सीनेशन हुआ है। एक्सक्यूज मी, साइट थ्री के लिए किधर जाना होगा? साइट वन तो गाइस मेरा वैक्सीनेशन हो गया है और अभी मैं ऑब्जर्वेशन पोस्ट वैक्सीनेशन, ये ऑब्जर्वेशन एरिया है, तो यहाँ पर ये आपको देखते हैं कि भाई आधा घंटे आप बैठो वेट करो, और आधा घंटे में अगर आपको कोई सिम्टम नहीं आते तो फिर वो अलाउ करते हैं कि अब आप जा सकते हो। तो दैट इज़ वेरी गुड, मतलब काफ़ी स्मूथ रहा है मेरा एक्सपीरियंस अभी। दिस इज़ आई थिंक आई शुड से अ बेस्ट साइड डी एल के मैक्स, बहुत ही अच्छे से क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है, काफ़ी बड़ी साइट है, ऑब्जर्वेशन डेस्क अलग है और वेटिंग एरिया अलग है, और काफ़ी सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, रूम्स हैं वैक्सीनेशन के लिए। सो आई थिंक अगर मैं इसको मार्क करूँ इस साइट को, ये बेस्ट साइट मैं इसको बोलूँगी कि दिस इज़ अ बेस्ट साइट। पार्किंग का भी अच्छा, पार्किंग नहीं है लेकिन आगे जो गेट है, गेट नंबर 5 साइट की का, वहाँ पर काफ़ी स्पेस है पार्क करने के लिए और अच्छा एरिया है, एंड लकीली वेदर भी आज काफ़ी अच्छा रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो फील लगाते लगाते मुझे थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस हो रही है, बिकॉज यू नो काफ़ी गर्मी है, तो आज वेदर सुबह मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा वेदर रहा है वहाँ से, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एंड आई मस्ट से कि आप सभी लोगों को वैक्सीनेशन करना ही है, अपनी जो इस टाइम हम कर सकते हैं तो बस यही कर सकते हैं कि हम टाइमली वैक्सीनेट हो जाएँ, वैक्सीन ले लें अपनी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सब लोग वैक्सीन लो और सब लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन को बुक करो। मैं
डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूँगी जिस साइट से मैंने अपनी यहाँ अपॉइंटमेंट लिया वैक्सीन के लिए, तो आप सब लोग जाके वैक्सीन ले लो और जल्दी से अपनी अपॉइंटमेंट लो, क्योंकि वैक्सीन का भी कुछ पता नहीं है कब तक है, क्योंकि वो भी ख़त्म हो रही है और यू नो, तो हमें ये चीज़ जो है जल्दी से जल्दी करना चाहिए। वही हमारी गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन करो। मैंने देखा 45 प्लस की बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स अभी अवेलेबल हैं। वो यही हुआ है कि उन लोगों ने जब उनका स्लॉट था उस टाइम वो लोगों ने नहीं लिए लोगों ने, और अब जब ये बिल्कुल डेडली हो गया वायरस और तो अब सारे लोग भाग रहे हैं, तो उस वजह से बहुत क्राउड हो गया है। लेकिन ये जो सेंटर है मेरा, दैट इज़ वेरी गुड रियलिटी लैब्स, एंड बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है। क्राउड मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। वहाँ जो है मुखिया हमाया बाद में ही है, बिकॉज हमाया को मेरे कार में ही खड़ा हुआ है मुखिया के पास, और मुखिया से भी बोला हुआ है कि कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की, अपने कार में रहो और सेफ हो, बिकॉज वैक्सीन मुझे लगनी है, उनका हो गया है। और हमने यही ऐसे ही प्लान किया था कि पहले मुखिया को हो जाए, सो देट बच्चे के पास अगर दोनों को फीवर आता है तो एटलीस्ट बच्चे के लिए एक आदमी को हो। इधर कुछ खाने पीने का भी मिल रहा है, वे हैव सम कोल्ड ड्रिंक्स वाटर बॉटल मिल, वे हैव ऑल दिस थिंग्स ठीक है। लेकिन अगर किसी को अर्जेंसी है तो वो ले सकता है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में यू नो, यहाँ कुछ भी लेना और फिर यहाँ पर मास्क हटा के खाना इज़ नॉट सेफ एट ऑल। और जो लोग बी एल के साइट पर जो है बी एल के मैक्स में जो वैक्सीनेशन का जिनको अपॉइंटमेंट मिला है, वो आई थिंक वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, और मैं नीचे जो है मेंशन कर दूँगी कि मैंने कहाँ से वैक्सीनेशन के लिए बुक किया है, तो वो साइट जो है मैं मेंशन कर दूँगी। एंड बट एक चीज़ करनी पड़ेगी कि उसमें आपको आई थिंक इवनिंग में 7 o'clock से 10:30 तक वो स्लॉट खुलते हैं, तो आपको ना कंटिन्यूसली बैठना पड़ेगा और बुक चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने बुक किया था अपना स्लॉट, तो मैं 3-4 दिन से बस बैठी हुई थी, जैसे कलक तरफ से ही सारी साइट्स में उड़ रही थी। तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 1 मिनट के बाद आप सोचो कि 1 मिनट के बाद में आपने फिर से इधर इस वाली साइट बुक कर दूँगी, अगर कहीं कुछ नहीं मिला। तो आपको ना फटाफट से करना पड़ेगा, जहाँ जो मिल रहा है वहाँ बुक कर लो। अगर आपने थोड़ी सी वेट की तो आई एम डैम श्योर कि फिर वो आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं यार, वो सारे के सारे बुक करने में लगे हुए हैं, तो आपके लिए टाइम ही कहाँ है। तो अभी के ब्लॉग में बस इतना ही। टू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इट, कि आपको ये जो मेरा ब्लॉग है वो कितना हेल्पफुल रहा, और जैसा भी एक्सपीरियंस बताना। मैंने अपनी तरफ से उसको 100% देने की कोशिश की है, जितना मैं यहाँ पर शूट कर सकती थी वो सब कुछ किया है मैंने ना, और मैं भी पूरी डिस्टेंस मेंटेन करके ये सब चीज़ कर रही हूँ। बाय फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी एंड ईजी फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। सो नाउ आई एम लीविंग एज आई हैव कंप्लीटेड माय हाफ एन आवर इन द ऑब्जर्वेशन एरिया, सो लेट मी आस्क यू गाइस। हो गया, थैंक यू। एग्जिट किधर से होगा? सो दिस इज द एग्जिट एरिया, एंड सो गाइस आई एम डन वैक्सीनेशन एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेट। अभी तक तो कोई सिम्टम नहीं है मेरे को, जैसे उन लोगों ने बोला था कि आधा घंटे बाद चेक करेंगे, लेकिन आधा घंटे तक मुझे कोई सिम्टम नहीं आया, एंड आई एम फीलिंग रियली गुड। एंड सी दिस इज द वैक्सीनेशन एरिया, कितना बड़ा एरिया है, और यहाँ पर वॉशरूम्स भी हैं बहुत कायदे से बने हुए, और ये एग्जिट के लिए इधर से बहुत फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, लुक एट दिस। और सामने गेट है, बस मैं जाने पहुँचने वाली हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ शील्ड हटा के। सो अभी मैं गेट से बाहर निकल आई हूँ, और मैं पार्किंग में देख रही हूँ वेयर इज आर कार, आई थिंक आई गॉट इट। तो और मैंने नित्या को प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि अमाया को भी शील्ड लगा दें, क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ, एंड दिस इज़ आवर कार।
Yeah. So let me sanitize myself. He will sanitize me, and then I'll go inside the car. Slipper. क्योंकि मम्मा बाहर से हो क्या ये राइट है माया वाओ रियली आने क्या नहीं मैं तो अपना मेल मेल चेक करने लगा हुआ था अच्छा यू डिडंट टॉक टू हिम माया थोड़ा बहुत बात की यू गेट बोर्ड और नॉट ओ दैट्स फाइन देन Very nice, Ammu. I'm so happy. Last time I saw you, but I thought I said to Mama, the Captain America continue straight to stay on course around Nathmetch Mall. Yeah.